हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ निधि गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम लोग कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एग्जांपल 1 करा दिया था और पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करी थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कम्प्लीट कर लिया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल कराया था, मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल को सिर्फ कर लेना ही सब कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल अगर समझोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी हो जाती है आप लोगों के लिए। अगर आपने मेरी वो एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी हो और आप ये वाला क्वेश्चन देखो अब, तो आप लोगों को पता चलेगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, मतलब कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में, आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स? तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो बच्चे कितने हैं, उनका नंबर क्या है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें परसेंटेज दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो हमें इससे निकालना है नॉर्मल स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें पहले लेट करना पड़ेगा, लेट स्टूडेंट्स आर, या लेट मत करो, ऐसी निकल जाएगा, छोड़ो लेट नहीं करते, ऐसी निकल जाएगा। 72% ऑफ 25, यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इन मैथ्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ मैटिक्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 72% को हम रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 25, सो इसको कट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को इससे कट करेंगे 18 आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, आई मीन मैथमेटिक्स, इज 18। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, टोटल में से इंटरेस्टेड माइनस कर दो तो नॉट इंटरेस्टेड निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज 25 माइनस 18, दैट इज 7। तो मतलब कि जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ने में, और जो 18 स्टूडेंट्स हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स पढ़ने में, उन लोगों को पसंद है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होना बहुत जरूरी है, आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि ये चीज क्या लिखी हुई है, ठीक है? सो अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हमें भाई ये कंफ्यूजन हो रहा है। और मैं तो आप लोगों को ये प्रेफर करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और ये वाली वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट देखो पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज की। मैंने इससे पहले 3 वीडियोस डाली हैं, एक इंट्रोडक्शन की डाली है, एक एग्जांपल 1 की डाली है और एक एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की डाली है। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को उससे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? ये नहीं कि आप एक वीडियो देखो और कुछ भी इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर लो कि भाई नहीं समझ में आया या ये चैप्टर तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। नहीं, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं होती, बस जितना आप उसको इसके लिए एफर्ट करोगे उतना वो आसान होती चली जाएगी।
सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को समझ में आएगा. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो. और इसके जितने एक्सरसाइज के आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, सब ऐसे ही क्वेश्चन हैं. मतलब इसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आगे. तो मैं आप लोगों को पहले प्रेफर करूंगी कि आप मेरी एग्जाम्पल वाली वीडियो देखो, और इससे अगर समझ में ना आए तो, बट मेरे को लगता है कि इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. बट मैं आप लोगों को, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही यूज होगा, बट मैं आप लोगों पे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, सारा खुद कराऊंगी. एक भी कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू स्टूडेंट्स.